ज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी आज हम डिस्कस करेंगे रूलेट 2021 एग्जाम के बारे में तो रूलेट क्या है जिन लोगों को नहीं पता राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो फाइव ईयर लॉ डिपार्टमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी फाइव ईयर लॉ है जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ उसका जो बी एल का एग्जाम होता है मतलब फाइव ईयर का जो एग्जाम होता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है रूलेट राइट तो इसके सब कुछ आ चुका है फॉर्म्स आ चुके हैं मतलब डेट आ चुकी है बेसिकली इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूंगी कब आ रहा है फॉर्म ठीक है आपका एंट्रेंस एग्जाम कब है सारी की सारी नोटिफिकेशन हम इकट्ठे बैठकर डिस्कस करेंगे उसके बाद ऑब्वियसली हम प्रेपरेशन प्रेपरेशन कैसे करनी है इस एग्जाम की वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है ठीक है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बुक्स कैसे पढ़ना है क्योंकि हमारे पास लगभग लगभग फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज हैं तो अगर है एक अच्छी सेल्फ स्टडी का मतलब स्केड्यूल बना लेंगे ना तो बहुत अच्छे से बहुत आराम से हम रूलेट का जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ क्या गाइस वेलकम टू लॉगिरी आई होप यू आर सब्सक्राइब टू लॉगिरीज़ यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस एंड आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन Instagram वेयर बाय द नेम @i am logery वी डू प्रीटी मोटिवेशनल स्टफ out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected a little more with loggery, then do follow us on instagram notification Deke notification a chukia, 2021 ki. the university of rajasthan is organizing rule 2021 for the एडमिशन इन बी ए एल एल बी ऑनर्स फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ठीक है ना इन यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर जयपुर के अंदर है ये यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन अच्छा तो ठीक है आप इन्होंने बहुत आराम से डेट भी बता दी है अनलाइक अदर एग्जाम्स सिक्स अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को आपका एग्ज़ाम है चलो ठीक है बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मतलब ठीक है फॉर विच और द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैलेंट्स फ्राम सेवनटीन सेप्टेंबर अरे सेवनटीन सेप्टेबर से अभी स्टार्ट होगा आपका सब कुछ मतलब फॉर्म फिलिंग एंड ऑल तो फटाफट से भर देना उसी दिन द सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड मॉडल टेस्ट पेपर इज़ अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट चलो ठीक है इन्होंने अपना सिलेबस और कहते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर हमने सब कुछ अपलोड किया हुआ है ठीक है ना तो अब हम चलते हैं कि क्या सिलेबस रहता है कैसे प्रिपेयर करना है सब कुछ सबसे पहले तो जो मुझे मिला रूलर ट्वेंटी नाइनटीन का सैम्पल पेपर मिला और कुछ सिलेबस मिला वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर मुझे और कुछ मिलेगा तो मैं एक और वीडियो कर दूंगी राइट तो इंटरेस्ट है इसका सिलेबस आपका इंग्लिश है उसमें जनरल uh, नॉलेज है ठीक है करंट अफेयर्स है लीगल एप्टीट्यूड है जनरल साइंस है और सोशल साइंस है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ही लग रही होगी थोड़ा डिफरेंट है देखिए इंग्लिश तो हमारी नॉर्मल इंग्लिश ठीक है ना इसके अंदर अगर सैम्पल पेपर की तरफ देखते हैं तो ग्रामर की तरफ ज़्यादा ध्यान है टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली मैं बता दूंगी जनरल नॉलेज हमारा स्टैटिक जीके भी हमें करना पड़ेगा प्लस हमें करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे ठीक है लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमें लीगल मैक्सिम्स और ये सब और जनरल साइंस हमारा मतलब अगेन स्टैटिक के का जो हम साइंस पार्ट मान लेते हैं वही सोशल साइंस के अंदर ज़्यादा आई थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ओके okay? इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक्स बनते हैं वर्ड मीनिंग्स प्रपोजिशन मॉडल्स टेंसेस आर्टिकल्स ईडियम्स ये सॉरी नेक्स्ट पे होना चाहिए था ईडियम्स करेक्ट स्पेलिंग्स फॉरन वर्ड्स ठीक है ये सारे आपको करने हैं तो अब कैसे करें देखो यार अगर आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश की कोई भी बुक है ठीक है ना इंग्लिश की कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसकी बुक ऑलरेडी है तो तो आपको कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप यूनिवर्सल्स की बुक आपको लेनी पड़ेगी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रेड कलर की बुक आती है ये ठीक है ना तो आप ये बुक ले लीजिए और इसमें से आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सल्स में से सब कुछ कर लीजिए बट अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए इस टाइम पे तो आप एक बक्शी की बुक लेकर ये स्पेसिफिक टॉपिक्स कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक जिसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक हो जिसमें इंग्लिश समझाई हो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हमने पढ़ने हैं सारी सारी कोई भी बुक करने है, नहीं बैठना है लीगल एप्टीट्यूड की लीगल एप्टीट्यूड में लीगल टर्म्स एंड मैगज करने होंगे अब जहाँ पे भी जाओगे लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स का नंबर इतना ज्यादा होता है कि हमें याद ही नहीं होता तो मैम ने क्या किया हुआ है पी प्रोवाइड किया हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम पे वो पीडीएफ से पढ़ लो दो पीडीएफ हैं आपके एक टर्म्स का और एक मैगजिम्स का वहाँ से आपका कवर हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स की बुक में आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो यूनिवर्सल्स की बुक में से प्लीज़ पढ़ लेना यूनिवर्सल्स की बुक में से प्लीज़ पढ़ लेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी भी पढ़नी है मतलब सारा का सारा जो चैप्टर दिया वो भी पढ़ना और एम भी अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि चांसेस यही रहते हैं कि हमारे सेम एम ही हमारे पेपर में पड़े होंगे तो थ्योरी और एम दोनों कवर करना है यहाँ पे मैं एक और बात बता देती हूँ कि हमारा खुद का भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी

अब लीगल रीजनिंग देखिए 2020 का अगर सैम्पल पेपर उठा कर देखेंगे ना तो वहाँ पे लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं तो अगर आप यू आर न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ यू नो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स तो यहाँ पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में एक बड़ी कॉमन से क्वेश्चंस हैं जिनका नाम है लीगल रीजनिंग तो कुछ भी नहीं है क्या होता है एक सिचुएशन दे देंगे कि ऐसे एक जो था वो चल रहा था और सड़क पर किसी ने उसको गाड़ी ने आ, मतलब कोई आया उसको हिट कर दिया लॉ क्या कहता है ये कहता है वो हिट करके भाग गया ऐसा सा कुछ भी बोलेंगे तो मतलब क्या करेंगे एक सिचुएशन दे देंगे ठीक है ना और फिर उसका लॉ बता देंगे और ऑप्शन दे देंगे आपको लॉ सिचुएशन पे लगाना है और सबसे अच्छी अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करनी है ठीक है ना तो आप ये कैसे सीख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पढ़ना कौन से टॉपिक्स हैं देखिए आपको टॉर्च क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन यूनिवर्सल्स की बुक में बड़े आराम से ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे और वहाँ पर आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस भी कर लेंगे हो गया यूनिवर्सल्स की बुक में से ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा ओके नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज देखिए जनरल नॉलेज के अंदर आपको कवर करने हैं अवार्ड्स ये स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ मैं ठीक है यहाँ पे आपकी स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स दोनों आएंगे जोग्राफी स्पोर्ट्स हिस्ट्री साइंस ये सारे के सारे कर लेने हैं और ट्राई करो इकोनॉमिक्स भी कर लो ठीक है ना ये कहाँ से करने हैं टॉपिक्स आपको अगेन देखो यार आ, स्टार्टिक जीके की बात ऐसे रहती है कि स्टार्टिक जीके इज़ वेरी वेरी वास्ट ठीक है ना तो अब हमारे पास टाइम है सिर्फ ट्वेंटी डेज है हमारे पास लगभग तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज तो मैं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो नंबर वन और इम्पॉटेंट क्वेश्चन पे फोकस करो ठीक है ना अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स ने इन सब टॉपिक से रिलेटेड एम दिए हुए हैं ठीक है अगर वो एम आपने सॉल्व कर लिए ना तो आपका एग्जाम पक्का से क्लियर हो जाएगा मतलब तो हंड्रेड वन परसेंट चांसेस हैं एग्जाम क्लियर होने के स्टैटिक जी केगा तो हर क्वेश्चन ठीक करके आओगे सिर्फ एम सी क्यू सॉल्व कर लो हाँ मैं कह रही हूँ रट्टा मारने के लिए बट टेन टू ट्वेंटी डेज में अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इस चीज़ का तो रट्टा मारना पड़ेगा अब करंट अफेयर्स कहाँ से करें देखो यार करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी है बिट्स की मैगजीन ले लो एक एनुअल एडिशन ले, ले लो ठीक है ना और ले लो एक मंथली जो रिसेंट मंथली एडिशन है लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है यहाँ से पढ़नी स्टार्ट कर दो अपनी करंट अफेयर्स हर रोज़ और इसको कैसे कवर करना है इसमें ना लिस्ट बनी हुई है रेक्नर्स बोला हुआ इन्होंने रेक्नर ठीक है ना रेडी रेक्नोर करके अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए हुए हैं ठीक है फिर बहुत सारी लिस्ट दी हुई हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट दी हुई हैं ठीक है नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ वो लिस्ट पढ़नी स्टार्ट कर दो जैसे एक बार ये लिस्ट पढ़ी एनुअल एडिशन में से भी पढ़ ली वो लिस्ट क्योंकि एनुअल एडिशन में से कौन सी न्यूज़ कवर हो जाएगी ट्वेंटी में से और रिसेंट मंथली में से ट्वेंटी की न्यूज़ कवर हो जाएगी आ गया क्लियर मतलब हमें सिर्फ दो से तीन बुक्स ख़रीदनी है दस से बीस दिन में अगर आप आठ से नौ घंटे पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा आपको जनरल uh, नॉलेज में हेल्प करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स रिलिजन 2021 तो मोस्ट uh, एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करवा रही हूँ इसके हम फाइव पार्ट्स कर चुके हैं ठीक है फाइव क्लासेज आपकी हो चुके हैं ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलेंगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप ये भी फॉलो कर सकते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये रूलेट के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है बच्चों का क्वेश्चन होगा कि दी हम कैसे प्रिपेयर करें इन ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज के अंदर ठीक है ना फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ के अंदर हमारा क्या शेड्यूल रहना चाहिए कि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ठीक है बचा पाड़ी सबसे पहले मुझे कम से कम आठ से नौ घंटे चाहिए तुमसे एट टू नाइन आवर्स मिनिमम क्योंकि यार हमारे पास सिर्फ ट्वेंटी डेज है फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज ठीक है ना और सारा सिलेबस करना है सिलेबस भी अच्छा खासा है बट इसमें बेनिफिट ये कि हमारे पास तीन ही सब्जेक्ट्स हैं लीगल एप्टीट्यूड है जी के है और आपका इंग्लिश है तीन ठीक है ना कैसे स्टार्ट करना है सबसे पहले तो इन एट आवर्स की डिविजन क्या रखनी है आपको जो मेरी सजेस्टिव रहेगी वो थ्री आवर्स तो करो आप करंट अफेयर्स ठीक है करंट अफेयर्स का वही रेडी रखना स्टेट स्पिट्स में से पढ़ो सबसे बेस्ट रहेगा करंट अफेयर्स पढ़ो प्लस स्टैटिक जी ठीक है ना हर रोज तीन घंटे और स्टैटिक जी के सिर्फ एम ठीक है ना उस पढ़ लिया, उनको रिवाइज करते रहो साथ साथ मतलब स्लॉट सेम रखो रिविजन पे आ जाओ प्रैक्टिस पे आ जाओ उसके बाद तीन घंटे इसको दिए फिर उसके बाद आप आ जाओ दो घंटे दे दो टू आवर्स या फिर थ्री आवर्स ठीक है दो लीगल एप्टीट्यूड को ठीक है लीगल एप्टीट्यूड को दे दिए इतने घंटे अब लीगल एप्टीट्यूड में जो पढ़ाई है वो कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ और फिर आप दो से यू नो तीन घंटे आप दे सकते हो अपना इंग्लिश को इंग्लिश को थोड़ा कम भी टाइम दे सकते हो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो ठीक है तो लीगल एप्टीट्यूड में कैसे स्टार्ट करना है तो यार लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करो ठीक है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ज़्यादा रहते हैं लॉ के एग्जाम्स में इसको अटैक कर दो ठीक है सबसे पहले इसकी थ्योरी भी पढ़ो थ्योरी भी पढ़ो और एम सी के भी अटैम्प्ट करो अपने यूनिवर्स में से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बना लेना बिकॉज ये रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पकड़नी चाहिए वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स यार एक बार ही बैठकर मत करो हर रोज जैसे ही पहले दिन पढ़ने बैठते हो ना पीडीएफ डाउनलोड कर लो और को टेन टर्म्स ऑफ डे याद करूँगी मैं टेन टर्म्स ऑफ डे हो गया आपका उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ये लगा लो सात दिन में खत्म करने की सेवन डेज के अंदर खत्म करने की कोशिश करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीट तीन घंटे दे दो सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड को उसके बाद आपका लीगल जीके का पार्ट रह जाता है लीगल जीके 1500 पंद्रह सौ एम सी क्यूज़ बड़े आराम से हो जाएंगे आपके ये पाँच चार पाँच दिनों में ठीक है ना इतने एम सी क्यूज़ आपको करने हैं फिर उसके बाद आप टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब कुछ पढ़ लो टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ ठीक है ना इनको फटाफट से रीडिंग मारो और वहाँ पे यूनिवर्सल्स के अंदर साथ साथ आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर जितने दिन होंगे उतने दिनों में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ये हो गया हमारा उसके बाद इंग्लिश का ये है कि रूल्स मीनिंग स्टार्ट कर दो पढ़ने ठीक है ना मतलब मैं तो ये कहूँगी यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ो बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है ठीक है यूनिवर्सल्स में से इंग्लिश करने की कोशिश करो और कुछ टॉपिक्स अगर वीक हैं तो एस बख्शी में से कर लो प्रपोजिशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉडल्स आर्टिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ जाना बहुत ईजी मार्क्स फेच कर पाओगे राइट right? तो लीगल एप्टीट्यूड आपका वास्ट है करंट अफेयर्स और स्टार्टिंगजी के इतने टाइमिंग्स में आपके हो जाना चाहिए बहुत बहुत तो ऐसे करके आप अपना जो सिलेबस है वो कम्प्लीट कर सकते हैं ओके okay. ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहला एम आपका होना चाहिए कम्प्लीटिंग द सिलेबस ठीक है ना सिलेबस को कम्प्लीट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो उसके बाद रिवाइजिंग पे आ जाओ एंड रिवाइजिंग के साथ साथ प्लीज़ अटेम्प्ट uh, करो मॉक्स ठीक है ना यूनिवर्सल्स के अंदर ही जो सैम्पल पेपर्स हैं उनका मैथ्स वाला सेक्शन छोड़कर बाकी सारा सेक्शन uh, जो है वो सॉल्व करो और प्लीज़ याद रखना कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है हर चीज़ के क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं ठीक है ना अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है इज़ इट अ गुड यूनिवर्सिटी क्या ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है देखो यार गुड की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है ठीक है ना गुड आप किसको कहते हो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है वहाँ प्लेसमेंट्स हैं टीचर्स कैसी हैं फैकल्टी कैसी है तो देखो यार जो हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं पुराने लॉ डिपार्टमेंट्स चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है बी है जे कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है थेके? उनकी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं ठीक है वहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी वो कम ही होती हैं और हम इनको एन से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है ना तो ये सोच के मत जाओ कि आप एन में जा रहे हो और आर में जा रहे हो एक ही बात है मान लो अगर आपको कॉपोरेट लॉ में ही जाना है तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स या लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेसमेंट्स की आपके कंपनी में कैम्पस uh, में कंपनीज़ आएँ एंड आपको नौकरी दें तो वो नहीं होता है यहाँ पर ठीक है ना एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटीज़ मूड कोर्ट ये वो नहीं होता है यहाँ पे ठीक है ट्रेंड नहीं है इतना तो किसको जाना चाहिए यहाँ पे मान लीजिए आप कह रहे हो कि जब मुझे तो लिटिगेशन में जाना है मतलब मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है हंड्रेड परसेंट मेरा यही एम है ठीक है ना आ, मुझे तो जुडिशरी का एग्जाम देना है जी ठीक है मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है या फिर मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए लॉ के अंदर बाकी मेरे आई हैव अदर प्लान मेरा कहने का मतलब यह है मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे नहीं इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी वट आर यू टॉकिंग अबाउट देखो यार जब एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना और वो कहता है मुझे कॉपोरेट लॉ में जाना और वहाँ पे वो अपरचुनिटी नहीं होती तो पाँच साल बाद उसको मायूसी हाथ लगती है उसका एम था कॉरपोरेट में जाना या लॉ फॉर्म में प्लेसमेंट लेना या लॉ फॉर्म में नौकरी करना बट क्योंकि वो एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ली जहाँ उसको पता नहीं था कि प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं तो उसका एक दरवाज़ा बंद हो गया तो अगर तुम तुम्हें वो दरवाज़ा चाहिए ठीक है ना तो ये यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा बंद कर लेना अपने लिए बट अगर तुम्हें वो दरवाज़ा नहीं चाहिए तो यू कैन गो हैड राइट समझ रहे हो और गुड जो है ना वर्ड एक्सलेंट गुड ये बहुत सब्जेक्टिव है किस चीज़ को आप गुड बोलोगे किस चीज़ को बैड बोलोगे सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना कमेंट कर देना बेल बटन पे हिट कर देना कमेंट करके बताना कि क्या मैं और वीडियोस बनाऊँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए हेल्प करने के लिए सो या दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एल सी यू सुपर सुपरजून बाय एंड टेक केयर डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाय